अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर वर्जिल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ओविड को पढ़ा था और उससे पहले भी हमने एंशिएंट राइटर्स को डिस्कस किया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्जिल को, जो कि रोमन एंशिएंट पोइट हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्जिल 17 to 19 BC, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ यहाँ पे मेंशन है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लियस वर्जिलियस मैरो, यूजली कॉल्ड वर्जिल और वर्जिल इन इंग्लिश। यहाँ पे देखिए स्पेल डिफरेंस है थोड़ा सा, यहाँ पे वर्जिल एंड यहाँ पे वर्जिल, तो इस इनका ये डिफरेंस है बस नेम में। और वैसे इनका फुल नेम जो है वो पब्लियस वर्जिलियस मैरो है, पब्लियस वर्जिलियस मैरो, यूजली कॉल्ड वर्जिल और वर्जिल इन इंग्लिश। ही वॉज एन एंशियंट रोमन पोइट ऑफ द अगस्टन पीरियड। ये अगस्टन पीरियड के जो थे, अगस्टन पीरियड के रोमन पोइट हैं, रोमन एंशियंट पोइट हैं, किस टाइम के, अगस्टन पीरियड के, ठीक है। ही इज़ नाउन फॉर थ्री मेजर वर्क्स ऑफ लैटिन लिटरेचर। ये अपने थ्री वर्क्स की वजह से लैटिन लिटरेचर में जाने जाते हैं, ठीक है। अपने थ्री वर्क्स की वजह से लैटिन लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, द एक्लोग्स, द जॉर्जेस एंड द एपिक आइनेड। अपनी ये एक एपिक की वजह से और एक्लोग्स की वजह से और द जॉर्जेस की वजह से ये इंग्लिश लिटरेचर की वर्ल्ड में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अ माइनर नंबर ऑफ पोइम्स आर कलेक्टेड इन द अपेंडिक्स वर्जिलियाना और सम टाइम्स एट्रीब्यूटेड टू हिम। उसकी कुछ पोइम्स हैं जो कि माइनर नंबर हम कह सकते हैं कि कुछ पोइम्स हैं जो कि एक कलेक्शन की फॉर्म में वर्जिलियाना में, अपेंडिक्स वर्जिलियाना में ऐड हैं। और सम टाइम्स एट्रीब्यूटेड टू हिम, जो कि उस सम टाइम जो है उसको वो डेडिकेट की जाती हैं या वो उसके नाम से जानी जाती हैं, उनको एट्रीब्यूट करती हैं उसको वो पोइम्स, जो कि कुछ माइनर नंबर्स मतलब कि बहुत कम पोइम्स जो हैं वो अपेंडिक्स वर्जिलियाना में ऐड हैं जो कि उसको एट्रीब्यूट करती हैं। हिज आइनिड हैज़ बीन कंसिडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ एंशियंट रोम फ्राम द टाइम ऑफ इट्स कंपोजिशन टू द प्रेजेंट डे। अब बात कर लेते हैं आइनिड की, जो कि इन वर्जिल की बहुत ही फेमस जो है पोइम है, उसको कंसिडर किया जाता है एंशियंट रोम की एक एपिक पोइम, नेशनल एपिक पोइम, ठीक है। जैसे शेक्सपियर को इंटरनेशनल या नेशनल पोइट माना जाता है या उसकी पोइम्स को, तो इसी तरह जो आइनिड है उसको एंशियंट रोम की नेशनल एपिक माना जाता है। किसको? आइनिड को, जो कि लिखी है वर्जिल ने। तो उसकी जो आइनिड है उसको नेशनल एपिक कंसिडर किया जाता है एंशियंट रोम की, जब से वो कंप्लीट हुई है तब से लेके अब तक, यानी कि मौजूदा दिन तक भी उसको एंशियंट रोम की नेशनल एपिक माना जाता है, ठीक है। इट इज़ मॉडल्ड आफ्टर होमर्स एलियड एंड ओडेसी। इट इज़ मॉडल्ड आफ्टर होमर्स एलियड एंड ओडेसी। वर्जिल्स वर्क हैज़ हैड वाइड एंड डीप इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न लिटरेचर, मोस्ट नोटेबली ऑन डांटेस डिवाइन कॉमेडी। अब इसको समझ ले पहले, चलिए जी पहली लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इन विच वर्जिल अपीयर्स एज डांटेस गाइड थ्रू हेल एंड पर्गेटोरी। पर्गेटोरी, अच्छा, वर्जिल का जो वर्क है इसके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हैं वेस्टर्न लिटरेचर पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस पर? मोस्ट नोटेबली ऑन डिवाइन कॉमेडी बाय डांटे। इन विच वर्जिल अपीयर्स एज डांटेस गाइड थ्रू हेल एंड पर्गेटोरी। पर्गेटोरी वर्जिल्स वर्क हैज़ हैड वाइड एंड डीप इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न लिटरेचर। वर्जिल का जो वर्क है उसके वेस्टर्न लिटरेचर पर बहुत गहरे असरात हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो डिवाइन कॉमेडी है दांते की, उस पर उसने बहुत ही गहरे असरात छोड़े हैं, ठीक है। हेल थ्रू हेल एंड पर्गेटोरी। आफ्टर कंसिडरिंग ब्रीफली अ कैरियर इन रेटोरिक एंड लॉ, द यंग वर्जिल टर्न्ड हिज टैलेंट टू पोइट्री। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कुछ अरसा के लिए, बहुत कम टाइम के लिए उन्होंने अपना कैरियर रेटोरिक और लॉ में अपनाया, मतलब कि वहाँ पर काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना हाथ टैलेंट अपना हाथ और अपना टैलेंट जो है वो पोइट्री में आजमाया, पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दी और इस कैरियर को गुड बाय कह दिया, ठीक है। ही वॉज निक नेम्ड पैरलहीनियस, शायद ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है शायद, और मेडन बिकॉज ऑफ हिज सोशल अलूफनेस। अपनी सोशल अलूफनेस की वजह से इसको पैरलहीनियस या मेडन कहा जाता था, ठीक है। हाँ जी,
सोशल अलूफनेस की वजह से, यानी कि सोशल अलूफनेस ऐसे कि इसका बहुत ज़्यादा ये सोशल बंदा था, एक किस्म का मतलब वाबस्तगी थी इसकी बहुत ज़्यादा, सोशल मतलब आप इसको कह सकते हैं एक सोशल पर्सनैलिटी थी ये, तो इस वजह से इसको पैरल हैनियस और मेडन भी कहा जाता है। द अगस्टन पोएट्स ओविड पैराडाइज द ओपनिंग लाइन्स ऑफ आई नीड इन अमोरस एंड हिज समरी ऑफ द आई नीड स्टोरी इन बुक 14 ऑफ द मेटामॉर्फोसिस द सो कॉल्ड मिनी आई नीड। अच्छा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ओविड पोइट है ना, अगस्टन पोइट ओविड, जिनका प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था, पैराडाइज द ओपनिंग लाइन ऑफ, यानी कि क्या करता है जो ओपनिंग लाइन्स हैं आई नीड की अपनी पोइम में, वो अमोरस में वो ऐड करता है द अनीड की स्टोरी को इन बुक 14 ऑफ द मेटामॉर्फोसिस। हमने पढ़ा था ना उसकी मेटामॉर्फोसिस जो है ओविड की, तो उसकी जो बुक 14 है ना उसमें उसने यहाँ से इसकी जो ओपनिंग लाइंस है ना वर्जिल की अनीड की जो एपिक, वर्जिल की जो अनीड है एपिक, उसकी जो पोइम्स थी या उसकी जो ओपनिंग लाइन्स थी वो उसने किसने, ओविड ने ऐड कर ली अपनी मेटामॉर्फोसिस की 14 बुक में। ठीक है, अब मैं आपको अगेन समझाती हूँ, जो वर्जिल की बुक है, जो वर्जिल सॉरी वर्जिल की, हाँ वर्जिल की जो बुक है या एपिक है वो आई नीड, उसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं वो जो ओविड पोएट है ना अगस्टन एज का, उसने क्या किया है उससे कुछ ओपनिंग लाइन्स ले के ना, उनकी समरी ले के उसने ऐड कर लिया बुक नंबर 14 में। किस बुक नंबर 14 में, जो कि कलेक्शन है मेटामॉर्फोसिस की, तो इस बुक की 14 बुक में उस, ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन की बुक नंबर जो 14 है ना उसमें उसने ऐड की है, तो जिसको हम मिनी आई नीड भी कह सकते हैं। ठीक है, मिनी आई नीड यानी कि उसका थोड़ा सा उसमें उसने टच दिया हुआ, उसकी ओपनिंग लाइन्स वगैरह उसमें डाल के, तो उसको मिनी आई नीड बना के पेश किया। ठीक है, लुकेन्स एपिक, लुकेन्स एपिक द बेलम ओलिव हैज़ बीन कंसिडर्ड एन एंटी वर्जिलियन एपिक। अब ये जो लुकेन्स की जो एपिक है ना द बेलम ओलिव हैज़ बीन कंसिडर्ड एन एंटी वर्जिलियन वर्जिलियन एपिक, तो उसकी ये जो पोइम है लुकेन्स की द बेलम ओलिव हैज़ बीन कंसिडर्ड एन एंटी वर्जिलियन एपिक, तो इस पोइट की भी ये जो एपिक है, ये वाली एपिक, ये उसी को कंसिडर, मतलब कि एंटी वर्जिलियन कंसिडर की जाती है एपिक, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुआ है, बहुत ज़्यादा वर्जिल से मुतासर हुआ है, उससे इन्फ्लुएंस हो गया, उसने ये लिखी थी, तो इस वजह से उसको एंटी वर्जिलियन एपिक भी कहा जाता है। द आई नीड एन एपिक पोइम रिटन बिटवीन 29 एंड 19 BC टेल्स द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ आइनीस अ ट्रोजन हु ट्रैवल्ड टू इटली वेयर ही बिकेम द एंसेस्टर ऑफ रोमन्स। जो आइनीड एपिक है जो लिखी गई थी बिटवीन 29 एंड 19 BC वो हमें लेजेंडरी स्टोरी बताती है, किसकी, आइनीस की, एक ट्रोजन था हु ट्रैवल, जिसने सफ़र किया टू इटली वेयर ही बिकेम द एंसेस्टर ऑफ रोमन, जहाँ पर वो रोमन के फिर अबाव अजदाद में ऐड हो गया। ठीक है, तो ये जो आइनीड है ये एक स्टोरी बताती है, एक लेजेंडरी स्टोरी बताती है आइनीस की, जो कि एक ट्रोजन है जिसने ट्रैवल किया था इटली की तरफ और फिर वहाँ का या रोमन का एंसेस्टर बन गया। इट कंप्राइज 9,896 लाइन्स इन डेक्टैलिक हेक्सामीटर। अब ये किसकी बात हो रही है, ये आनीड की बात हो रही है कि ये कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, मुश्तमिल थी, ये कंसिस्ट थी ऑन 9,896 लाइन्स पर, जो कि लिखी गई थी इन डेक्टैलिक हेक्सामीटर। ठीक है, डेक्टैलिक हेक्सामीटर की फॉर्म में ये लिखी गई थी, ये मीटर इसमें यूज़ किया गया था, तो ये इसकी टोटल लाइन्स थी 9,896 लाइन्स। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस को आंसर आउट करूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।